गुरुजी, ग्रेट ग्रेट महागुरुजी, जिनको मैं आप लोगों की दमदार तालियों के साथ बुलाना चाहूंगा, माननीय श्रीमान जसवीर सर, जोरदार तालियां। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, कैसे आप सभी लोग? सारे दमदार हैं? सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने अपने बीच मुझे आने का मौका दिया और इतना सारा प्यार दिया, इतना मान सम्मान दिया। जब हम लोग हॉल में एंट्री ले रहे थे, जब जो वेलकम जो कर रहे थे, इतना ढोल नगाड़ा, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा था गाड़ी कहाँ चल रही है, फूलों में चल रही है, हवा में चल रही है, कहाँ चल रही है। तो मैं दिल की गहराइयों से आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। दोस्तों, आज हमारे सक्सेसफुल भी सेमिनार के ये आखिरी पल हैं, इसके बाद में अभी ब्रॉन्ज की प्रमोशन होगी, उस प्रमोशन को आप लोग जरूर देख के जाइएगा। मुझे कुछ मिनट आप लोगों से बातचीत करने का मौका मिला, अगर आपकी परमिशन है तो शुरू करें। सबसे पहले तो आज हमारे जो भी साथी जिन्होंने भी आज यहाँ पे प्रमोशन ली है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। यशपाल जी आज टोपाज बने, उन्होंने तो बिल्कुल समा बांध दी, मजा आ गया सर। टाइगर साहब आपकी प्रमोशन देख करके मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारे टाइगर साहब करीबन 6 पर्ल बने आज हमारे दमदार टाइगर, मैं उन सभी पर्ल लीडर को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और हमारे दमदार साथी गोल्ड बने हैं, प्लेटिनम बने हैं और सिल्वर बने हैं, सभी को बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, मैं देख रहा हूँ बहुत इंजॉय कर रहे हैं सारे के सारे लोग। मैं पूरे भारत में जाता हूँ और तमाम हजारों हजार लोगों के प्रोग्राम होते हैं, लेकिन इतने एक्साइटेड और इतने एंजॉय करने वाले लोग आज तक मैंने पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखे जो इस हॉल के अंदर बैठे हैं। थैंक यू। अभी मैं और कृष्णपाल जी हर जगह रिकॉग्निशन करने के लिए जा रहे हैं, लोगों को गर्म करना पड़ता है, ताली बजाओ है? नाचने के लिए बोलना पड़ता है, अच्छा सा गाना बजाओ, या कोई भी गाना बज रहा हो उसी गाने पर नाच रहे, रोकने पड़ रहे हैं, मतलब रुक नहीं रहे, बहुत ही एक्साइटेड लोग हैं। और ये वाकई में गर्व की बात है, ये अंदर से फीलिंग आती है। कृष्णपाल जी बोल रहे थे ये नाच क्यों रहे हैं, ये खुशी है इसलिए नाच रहे हैं। कईयों की शादी हुई होगी सर, कृष्णपाल जी आपने ऐसे ऐसे लोगों की शादी कराई है कि उनके जमाने में गुलाबबाड़ भी नहीं गया होगा शादी में, माला डलनी तो बहुत बड़ी बात है, हैं? हो सकता है हंडा गए होंगे गैस वाले, हैं? और आज माला डल रही है, तो नाचना बनता कि नहीं बनता? बिल्कुल बनता है, इसीलिए नाच रहे हैं। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं, आपको ये दिन जो आज आपकी जिंदगी में आया ये बार बार आता रहे, बार बार आपको ऐसे नाचने कूदने के चांस मिले और आपकी बार बार उसी मैडम से शादी होती रहे। शुक्रिया दोस्तों, ये सेफ शॉप कंपनी है जो आज हम लोगों को इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रही है कि आम आदमी को, एक कोई भी व्यक्ति जिसने महीने, दो महीने, चार महीने, छह महीने पहले बिजनेस को शुरू किया और उन्होंने कुछ 2, 4, 6, 10, 20, 50 प्रोडक्ट बेच दिए और इतना भर करने से उनको आज मंच पर सम्मानित किया जा रहा है, माला दी जा रही है, बड़ी बात है कि नहीं? बड़ी बात है कि नहीं? नॉर्मल व्यक्ति को माला दो ही बार मिलती है, या तो रिटायर होता तब या फिर परमानेंट रिटायर होता तब, जीते जी कहां माला मिलती है, लेकिन यहां पे माला मिल रही है कि नहीं मिल रही? तालियां भी मिल रही हैं और इसके हकदार वही लोग होते हैं जो फील्ड में जाते हैं, मेहनत करते हैं और दमदारी दिखाते हैं, यस या नो? और हमारे जितने भी साथी जिन्होंने रिकॉग्निशन ले ली है और जो रिकॉग्निशन लेंगे, मैं चाहता हूं एक बार धमाकेदार तालियां होनी चाहिए उन सभी दमदार साथियों के। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया दोस्तों, आज अगर हम लोग बात करें सेफ शॉप अपॉर्चुनिटी क्या है, आज एक इस तरीके का मौका है जो एक आम आदमी को, जो आज कहीं पे भी गांव में, गली में, खेत में, कहीं पे भी लगा पड़ा है, उस व्यक्ति को आज यहां से अपने जीवन को चमकाने का, जिंदगी में जो अलग अलग, कोई वैष्णो माता, कोई हनुमान जी, कोई भैरव बाबा, पता नहीं कहां कहां जाके अगरबत्ती लगाते थे, उनकी कहीं से सुनवाई नहीं हो रही थी, उनकी सेफ शॉप में सुनवाई हो रही है, वो यहां से अपनी जिंदगी को चमका सकते हैं। ये एक ऐसा चांस है दोस्तों, जिस व्यक्ति को कहीं पे भी नंबर नहीं आ रहा, आज के टाइम में अगर अपन लोग देखते हैं, नौकरी के लिए चेक बैग जैक की जरूरत है, बिजनेस करने के लिए बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, और खेती,
खेती की तो वो जमाने गुजर गए दोस्तों, जब किसी के हिस्से में 25-30 बीघा जमीन आती थी। अभी वो जमाना आ गया है, आजकल लड़का देखने के लिए जाओ तो पता चलता है कितना, 3 बीघा, 4 बीघा, 5 बीघा से नीचे नीचे पे आ गए। यस या नो? तो आज गुजारा करने का एक ही साधन रह गया। लोग जा रहे हैं यहां से नोएडा, गुड़गांव, और वहां जाकर के पड़े एक एक कमरे में, 12-12 घुसे पड़े, 8,000 मिले, बोले जय ठीक है, वहां गांव में तो जय भी नहीं मिल रहे। यस या नो? ऐसे लोगों को आज यहां से जिंदगी चमकाने का मौका है। टैलेंट तो हर व्यक्ति के अंदर है, आपने देख लिया। आज यशपाल जी जब मंच पर बात कर रहे थे, मैं बोल रहा हूं अच्छे अच्छे धुरंधर जो किसी भी फील्ड के, कॉर्पोरेट के हों या पॉलिटिशियन हो, इस तरीके के कॉन्फिडेंस से बात नहीं कर सकते जो दमदारी के साथ में हमारा टाइगर बात कर रहा है। यस या नो? टैलेंट भरा पड़ा है, लेकिन उस टैलेंट को मौका नहीं मिलता। जो भी लोग मिलते हैं उनको सीढ़ी बना करके आगे निकल जाते हैं। लेकिन मैं स्वागत करता हूं आप सबका जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। सेफ शॉप आपके जीवन में आ गई है, आप आओ, आपको प्लेटफॉर्म मिल रहा है, आप यहां पर टैलेंट दिखाओ, आपको बराबर मुआवजा मिलेगा, बराबर मुआवजा मिलेगा आपको यहां। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। मुझे हंसी तो तब आती है, ताज्जुब तो तब होता है। अभी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और जा रहा है मोटरसाइकिल पे और ढूंढता है कहीं हाथ सेकने के मिल जाएंगे क्या, और उस हाथ सेकने के वाले को पूछो, बोले कार लेगा, कार, बोले हाँ हाँ लाद दिलाओ, बोले कंपनी ज्वाइन करनी है, उसमें 2 मेंबर बनाने पड़ेंगे। ए कोई काम है जे? ना होगा मेरे से ना, हमारे घर में एक ने करी, तो फिर जा मोटरसाइकिल में, मर ठंड में, हम क्या करें फिर। और जिसने इसमें दमदारी दिखाई उसकी जगवार आती है, जगवार। मैं आपको बधाई देता हूं कि ये बिजनेस प्लान आपको समझ में आया, और आपको बधाई देता हूं आप दुनिया की सबसे दमदार टीम रॉयल ड्रीमर्स टीम का हिस्सा बने, मैं आपको इस बात के लिए बधाई देता हूं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। इस टीम में होना ही मतलब सफलता की गारंटी है। यस या नो? आज अपने को मौका मिला है कुछ देर बातचीत करने का। मैं इतना बताना चाहूंगा, बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी बातचीत नहीं करूंगा, लंबी चौड़ी अगर सुननी है तो गोल्ड बन के आना LDP में, मैं वहां बात करूंगा, ठीक है। और लंबी चौड़ी सुननी है तो फिर दिशा ट्रेनिंग में आना, 4 दिन वहां बात करूंगा। 250-300 रुपया दिए उसने, मैं तो थोड़ी सी होंगी है। हेलो। तो नए वाले लोगों का फंक्शन है, ज्यादा कुछ बड़ी बड़ी बातें नहीं कर सकते, लेकिन ABCD सिखा सकते हैं। क्या सिखा सकते हैं? कितने लोग जानना चाह रहे हैं? बोला जे तो हमने सीख रखी है पहले से ही है, इस बिजनेस की ABCD सिखा देता हूं। जानना चाह रहे हैं सभी लोग? अगर आपको इस बिजनेस के अंदर कामयाब होना है और सफल होना है, तो दोस्तों मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। एक मेरे अपलाइन ने बताए थे 4 वर्ड ABCD, उससे मुझे याद रहे और आपको भी याद रखने। आप जानना चाहते हैं? सबसे पहली चीज तो यह है कि ए का मतलब होता है एटीट्यूड। अगर इस बिजनेस के अंदर, इस संसार के अंदर अगर आपको कामयाबी चाहिए, अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा और बेहतर करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने नजरिए के ऊपर काम करो, अपने थॉट्स को देखो, अपने विचारों को देखो। आज संसार में जो कोई भी आदमी अमीर है वो सिर्फ अपने विचारों की वजह से, और अगर कोई गरीब है तो वो अपने विचारों की वजह से। गरीब आदमी हमेशा गरीबी के बारे में सोचता रहता है, और अमीर हमेशा अमीरी के बारे में सोचता रहता है। और जब तक आपके सोचने का तरीका नहीं बदलेगा, किन्हीं भी चीजों को देखने का एटीट्यूड चेंज नहीं होगा, तब तक आपकी जिंदगी में कोई बदलाव आने वाला नहीं है। हर व्यक्ति का 2 तरह का एटीट्यूड होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। सेम सिचुएशन में एक आदमी पॉजिटिव रिएक्ट करता है और एक आदमी नेगेटिव रिएक्ट करता है। एक व्यक्ति सोचता है घटना तो हो गई, अब इसके बाद क्या, दूसरा सोचता है हुई क्यों, अब क्यों का जवाब भगवान से पूछना, हमें क्या पता। आप समझिए बात को, बात सिर्फ नजरिए की है। अभी अगर आप समझ सकते हैं तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूं। अगर नजरिया हो तो कैसा हो, नजरिया अगर हो तो महान वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन के जैसा होना चाहिए। जब उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी भर की कमाई से एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाई थी और एक प्रयोगशाला थी, और उसके अंदर वो ढेर सारे प्रयोग किया करते थे और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट उसके अंदर रखे हुए थे, और किसी नौकर की गलती की वजह से उस फैक्ट्री के अंदर आग लग गई, पूरी फैक्ट्री धू धू करके जल रही थी, और एक उनका नौकर उनकी बराबर में खड़ा था और वो भी उसको देख रहे थे और देख देख करके मुस्कुरा रहे थे। थॉमस अल्वा एडिसन की मुस्कुराहट को देख करके उस नौकर से रहा नहीं गया और उसको पूछा, साहब
हमारी फैक्ट्री जल रही है। बोले हाँ मैं देख रहा हूं। बोले देख रहे हो तो आप हंस रहे हो, लगता है मालिक की सटक गई। तो एडिसन साहब ने क्या जवाब दिया जानना चाहते हैं? उन्होंने बोला ये तो जल तो रही है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन दोस्त एक बात और देख ले, इस फैक्ट्री को बनाने में बहुत सारी कमियां रह गई थी, वो कमियां भी हमारी इसके अंदर जल रही हैं। अब हम एक नई फैक्ट्री लगाएंगे, उसके अंदर कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। ये एटीट्यूड की बात होती है दोस्तों। एक महान आदमी इस तरीके से सोच सकता है, नॉर्मल आदमी इसी चीज का सीन देख करके जिंदगी में हार्ट अटैक होकर के मर जाएगा। बोलो यस या नो। कई लोगों के साथ में अगर दो लोग आ जाएं तो वो खुशी के मारे फट जाते हैं, और दो लोगों ने ना बोल दिया तो वो गम के मारे एकदम से रोना धोना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर एटीट्यूड पॉजिटिव है तो व्यक्ति बोलेगा अगर दो लोगों ने मना किया कोई बात नहीं, ये चैलेंज कर रहा है कि मैं नहीं ज्वाइन कर रहा तो मैं भी अपने असली बाप की औलाद नहीं कि तेरे बिना डायमंड बन के नहीं दिखाया। ये एटीट्यूड की बात होती है, ये एटीट्यूड की बात होती है। ये चैलेंज कंपनी को नहीं कर रहा, अगर इसको कंपनी को चैलेंज करना होता तो ये जाता है 3x24 जनकपुरी नई दिल्ली। यस या नो। ये सिस्टम को चैलेंज नहीं कर रहा, अगर इसको सिस्टम को चैलेंज करना होता तो जाता मेरे अपलाइन के पास, ये चैलेंज कर रहा है तो मुझे कर रहा है मुझे। हेलो। और साला मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा कि मैं इसमें डायमंड बन सकता हूं कि नहीं बन सकता हूं। ये एटीट्यूड की बात है। यस या नो। क्या हम अपने नजरिए को पॉजिटिव रख सकते हैं? हर कंडीशन में, हर सिचुएशन में हमेशा एक व्यक्ति नेगेटिव सोचेगा तो उसको मरने के अलावा और कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन अगर पॉजिटिव सोचोगे तो हर चीज में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर छिपा होता है और आपको उस अच्छाई को देखना है। क्या हम उस अच्छाई को ढूंढ सकते हैं? दूसरा है बी, और बी का मतलब है बिलीव। अगर आपको बड़ा काम करना है, कामयाबी लेनी है तो भरोसा करना होगा। हमारी कंपनी का फर्स्ट मोटो ये है, बिलीविंग इज अचीविंग। जो भरोसा करेगा वही पाएगा। बात भरोसे की है साहब। अभी यहां पे तरह तरह की बातें करने लगते हैं लोग, 8,000 रुपए क्या दे दिए पता नहीं, बहनामा कराने के चक्कर में रहते हैं। मुझे जे सर्टिफिकेट दिखाओ, वो दिखाओ, ऐसा कैसे होता है, जे जगवार इन्हीं की कैसे मान लू, नहीं इनको 8 लाख आते हैं मुझे कैसे पता। अरे मान ले यार, इतना बोल रहे हैं तो इतना काहे, मतलब है 8,000 रुपए ही तो दिए, क्या करें, ठुमका लगा के दिखाएं पैसा वसूल कराने के लिए, क्या करें। नहीं मानते लोग, और उन्हीं लोगों को मैं देखता हूं यहां तो 8,000 में इतनी इतनी बातें कर रहे हैं, वो लोग 20 रुपए में अपनी जिंदगी को दाप पे लगा देते हैं। साहब वहां नहीं पूछते कुछ भी, जाकर के बैठ जाते रिक्शा में और बोल देते ले चल बस स्टैंड, और आज पौवा चढ़ा के वीर रिक्शा वाला, और मन करेगा तो बस स्टैंड और नहीं तो यमपुरी, रोक लोगे क्या? 20 रुपया टिका के भरोसा कर लिया पहुंचा देगा, और कहां पहुंचा देगा ये उसकी मर्जी है। यस या नो। रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने के लिए, कितने लोगों ने किसी भी ढाबे में या रेस्टोरेंट में खाना खाया? लगभग सबने खाया। यस या नो। कभी जाकर के देखा किचन में वो हाथ साफ करके खाना बना रहा है या ऐसे ही बना रहा है? कहां कहां खुजली हो रही थी उसके, अरे चेक किया क्या? पैसा भी टिकाया और विश्वास भी कर लिया सब सही है, छिपकली भी निकलाती है भाई साहब, KFC में चूहा निकला है, चूहा खाने गया चिकन और निकला चूहा, कर लिया विश्वास, वर्ल्ड का जाना माना रेस्टोरेंट उसमें चूहा निकल रहा है, देसी वाले की तो बात छोड़ दो, दो चार झिंगूर भिंगूर सब चल रहे हैं दाल फ्राई में, और विश्वास करके रगड़ दो, वहां पे जान भी जा सकती है, विश्वास है, विश्वास है कि नहीं? बस में यात्रा करते हैं, खाली सीट देखी मुंह पर रूमाल डाला विश्वास करके सो गए, ले चल वीर बहादुर कहां लेके जा रहा है, लाइसेंस अपना है कि पड़ोसी का है कुछ पता नहीं, मेन ड्राइवर पीछे की सीट पर सो रहा है और हेल्पर गाड़ी चला रहा है, ठुक गई तब पता चला। हेलो। विश्वास कर लिया, क्या कर लिया? जिंदगी को दाप पे लगा करके विश्वास कर करके यहां तक आए हो, अगर किसी पे विश्वास नहीं करोगे तो घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। बोलो यस या नो। जिंदगी चलती तभी है कि जब हम विश्वास करते हैं एक कदम पर कि अगला कदम भी रख सकता हूं, तभी जिंदगी चल रही है, वरना जिंदगी चल नहीं सकती। अगर आपको यहां पर भी अगर तरक्की करनी है तो आपको विश्वास करना होगा सेफ शॉप पर, क्या आप विश्वास कर सकते हैं? विश्वास करना होगा सिस्टम पर, कर सकते हैं?
विश्वास करना होगा जो व्यक्ति आपको यहां लेकर के आए उस व्यक्ति के ऊपर कि ये मेरी जिंदगी को चमका देगा, कर सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, इसको दिमाग में बिठा लो, विश्वास करना होगा अपने आप पर, मैं कोई पापी आदमी नहीं हूं, मैं इस संसार में आया हूं करोड़पति नहीं अरबपति बनने के लिए आया हूं, मुझे खुद पे भरोसा है और मैं बन के दिखाऊंगा। विश्वास खुद पे करना होगा। कितने लोग बोलते हैं विश्वास कर सकते हैं? सारे लोग। सी, सी का मतलब कमिटमेंट। जब तक जिंदगी नहीं बदलेगी तब तक कमिटमेंट नहीं दिखाओगे। आज तक कमिटेड लोगों ने अपना जीवन बदला है, नॉन कमिटेड आदमी कुछ नहीं कर सकता। कमिटमेंट होना चाहिए, हमारी कुछ प्रतिज्ञा होनी चाहिए, और एक बार प्रतिज्ञा कर ली, हमारा इतिहास भरा पड़ा है, एक से एक बड़े सूरमा इस भारत देश के अंदर पैदा हुए हैं जिन्होंने कमिटमेंट की खातिर चाहे जान चली जाए लेकिन कमिटमेंट से पीछे नहीं हटे। यस या नो? मैं यहां किसी को जंग लड़ने की बात नहीं कर रहा, बात तेज जरूर करता हूं लेकिन हथियार उठाने की नहीं कह रहा। हेलो, ये तो मेरा स्टाइल है, खून में है, क्या करें, जाट आदमी है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं कमिटमेंट के लिए प्लान फोल्डर उठाने की। नानी मर जाती है, कहीं नहीं गुरु जी प्लान कैसे दिखाऊंगा। देखो देश की सरहद पे लोग AK-47 उठा के खड़े हैं, तुम यहां पे यहां रह के भी तुम्हें फोल्डर नहीं उठाया जा रहा, भिजवाएं, वहीं भिजवाएं क्या, ले लद्दाख में भिजवाएं, समझ में आ जाएगा वहां जाकर के -40 degrees है। हेलो, कमिटमेंट है, कमिटमेंट की बदौलत तुम यहां बैठ के ताली बजा रहे हो, नहीं तो पाकिस्तानी घूम रहे होते हैं यहां पे, किसी का कमिटमेंट की बदौलत बैठे हो। यस या नो? यस या नो? कमिटमेंट में देश के लिए नहीं, समाज के लिए नहीं, तुम्हारे परिवार की बात कर रहा हूं, अपने खानदान की बात कर रहा हूं, अपने कुनबा का अंबानी बनने के लिए, अपने कुनबा का टाटा और अडानी बनने के कमिटमेंट की बात कर रहा हूं। कौन कौन ले सकता है ये कमिटमेंट? पक्का? अपने लिए, किसी और के लिए नहीं, कमिटमेंट लेकर के जाना। रुक जाओ दया शंकर जी, रुक जाओ, बैठ जाओ। कमिटमेंट, मिनिमम कमिटमेंट पे काम होगा, कुछ न कुछ लेके जाना, चाहे एक प्लान दिखाने का। एक फेरी वाला भी कमिटमेंट लेके निकलता है, 40 किलो केला है, 5 गांव में घूमूंगा तब तक घर नहीं जाऊंगा, केला ले लो, केला ले लो, केला ले लो, केला ले लो, चिल्लाता ही रहता है। यस या नो? सीख लो से, कुछ तो सीख लो, शाम तक बेच भी देता, तुम्हें हंसी आ रही है, पूरे 400 रुपया कमा के पौआ पी के मस्त सो रहा है, तुम ढूंढते रहो कोरोना। हेलो, बेचने के लिए तैयार है, कमिटमेंट है, घर से निकलने के लिए तैयार है, बोलो यस या नो? आप भी मिनिमम कमिटमेंट ले लो, मैं घर से निकलूंगा, चाहे व्यक्ति यस बोले या नो बोले, लेकिन मैं कम से कम 5 प्लान दिखा के आऊंगा, मुझे 5 लोगों को प्लान दिखाना है। यस या नो? भैया तुम हाँ बोलो या ना बोलो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, मैंने अपने गुरुजी से वादा किया, तुम बैठो और सुनो ये गाना, ये हमारी कंपनी है सेफ शॉप, सुरक्षा, सेहत, फैशन और तकनीकी, A3/24 जनकपुरी। यस या नो? कमिटमेंट वाले लोगों की जिंदगी बदलती है। संसार में जिस जिस व्यक्ति ने नाम रोशन किया है, जिसने कुछ प्रतिज्ञा ली है, प्रतिज्ञा ली है, प्रतिज्ञा के दम पर जीवन बदला जाता है। क्या आप प्रतिज्ञा ले सकते हैं? अरे ले सकते हैं, मैंने भी ली थी एक दिन, मैं भी गांव में पड़ा था, लीटर पौआ धोता रहता था, मैंने कमिटमेंट लिया साला जिंदगी यहां है। अरे जिंदगी तो यहां देखी मैंने, नरसिंह ग्रेवाल साहब, माधव सर, ये हैं साला असली माल तो ये खींच रहे हैं, अपन कहां पड़े साला गांव में। मैंने कहा गुरुजी नंबर दो अपना, अभी अपनी दोस्ती पक्की। हेलो, वो दिन है कि ये दिन है, साला कोई भी भूरा कलुआ मुन्ना पप्पू कौन आया कौन गया अपने को लेना देना नहीं है। महागुरु जी लोगों के संग फिक्स हो गए, और फिक्स हो गए तो अब भाई आपका 20 करोड़ अंदर कर चुका है अब तक, 20 करोड़। कमिटमेंट का फल है, कमिटमेंट का फल है। पिछले महीने दिसंबर महीने की इनकम मेरी 29 लाख रुपए की है, एक महीने की इनकम 29 लाख। जो जो पाकिस्तानी है वो ताली ना बजाएं।
दिन का 1 लाख हो गया, एक किसान का बच्चा हूं मैं। हेलो, इन दिनों में गेहूं को देखता हूं ना मैं, जब अपनी BMW से जाता हूं, हाँ मुझे भी पानी लग, दूसरे पानी का टाइम हो गया, अब गेहूं यहां तक आ जाएंगे, मुझे भी सरसरी सी आ जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्होंने कहा सही है यार, प्लान फॉलोअप करो, इसी में बढ़िया है। हेलो, वहां से यहां आया हूं, दिन का 1 लाख, कमिटमेंट का रिवार्ड है ये। आप चाहते हैं? आप चाहते हैं? सिर्फ नारेबाजी से कुछ नहीं होगा। टाई लगा ली, जय महागुरु जी, सेल्फी ले ले रे, अरे जाके कुछ काम धंधा कर ले रे, प्लान फॉलोअप कर ले रे, इसके लिए कमिटमेंट दिखाना है। भोले भाले लोग भी यहां पे इतिहास लिख रहे हैं, सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं और बहुत ज्यादा चतुर सिंह बनते हैं, वो कुछ ना कुछ अंगा पंगा करके काम से बचने की सोचेगा, दिमाग लगाएगा, नहीं कैसे काम से बच जाऊं, उनका क्या होता है जानना चाहते हैं? कंपनी तो देखो रुकेगी नहीं, ये तो चल रही है, चलेगी, और लोग डायमंड बनेंगे। उनका होता यह है कि एक बंदा टूलना से ऐसे ही बैठ गया ट्रेन में, सोचा यार दिल्ली होके आते, और ट्रेन का हाल ये कि उसमें पैर रखने की जगह नहीं, लेकिन दिमागी आदमी था, बोले यार ऐसे तो नहीं, मैं तो सीट पे सो के जाऊंगा, दिमाग लगा लिया, और बोलता है भाई बोगी में सांप है, 5 मिनट में पूरी बोगी खाली, अब बढ़िया मजे से चद्दर तान के सो गया। सोता रहा, सुबह का टाइम हुआ, सोचा दिल्ली आ गई होगी। हेलो, तो जब तक चाय वाला है, चाय चाय, बोले पूछता हूं कौन सा स्टेशन है भैया, तो बोला टूंडला जंक्शन। बोला क्यों, ये ट्रेन तो दिल्ली जा रही थी। बोले नहीं, ट्रेन तो दिल्ली गई, इस बोगी में सांप था, इसको काट दिया ट्रेन से अलग, ट्रेन चली गई। बहुत काम की बात बता रहा हूं, जिसके दिमाग में कीड़ा है ना, कंपनी उसको काट के आगे बढ़ जाएगी। हेलो, सैणपंथी को यहीं छोड़ जाना, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? मेरे ग्रेट मेंटर्स ने मुझे प्लान फोल्डर दिया और प्रगति सूत्र बुक दे दी, जा बेटा खुर जा। मैं चला गया, दे प्लान दे फॉलो, दे प्लान दे फॉलो, क्या मजा आया साला, मजे ले लो .com काय के लिए भेजा घर वालों ने, डायमंड बनने लगेगा, ले ले सेल्फी ले ले रे। फिर भेज दिया जोधपुर, कहां मारवाड़, झामे मारो के फायदो है। हेलो, दे प्लान दे फॉलोअप, दे प्लान दे फॉलोअप, यही कर रहा हूं, फुल मजे आ रहे हैं, फुल मजे आ रहे हैं। कमिटमेंट, कितने लोग दिखाएंगे कमिटमेंट? और डी का मतलब डिसिप्लिन, कभी भी जिंदगी में डिसिप्लिन नहीं टूटना चाहिए। बड़ा काम करना है तो एक लीडर, लीडर पैदा नहीं होता, लीडर बनता है, और रातों रात नहीं बनता, वो अपने कुछ नियम होते हैं, अनुशासन होते हैं, उन अनुशासन की वजह से बनता है। आज अगर जसवीर यहां है तो मेरे जीवन के कुछ अनुशासन है, मैं उनको 100% फॉलो करता हूं। अगर मेरे प्लान ने मुझे किताब दी है तो मैं जब तक उसको पढ़ नहीं लूंगा जब तक चैन से बैठ नहीं सकता। हेलो, ये मेरा डिसिप्लिन है कि मैं लेन देन में साफ सुथरा हूं, चाहे कुछ भी हो सकता है मेरे पास, चाहे मैं भूखा सो सकता हूं लेकिन लेन देन का लफड़ा नहीं कर सकता किसी के साथ। ये डिसिप्लिन है मेरा, मेरा अच्छा चरित्र रहेगा, ये मेरा डिसिप्लिन है। चाहे हूर की परी का मैसेज आ जाए लेकिन साला जसवीर को हिला नहीं सकता कोई, डिसिप्लिन है मेरी जिंदगी का। और जब तक आप अपनी जिंदगी में कुछ अनुशासन नहीं बनाओगे और उनको फॉलो नहीं करोगे, जिंदगी नहीं बदलने वाली। क्या हम डिसिप्लिन को फॉलो कर सकते हैं? कर सकते हैं। ABCD को याद रखना, जिंदगी चमक जाएगी। याद रखेंगे? याद रखेंगे? कंपनी ने दमदार टारगेट दिया है, कंपनी लगातार विदेश यात्राएं करवाती है। इससे पहले मैं 26 देशों की यात्रा कर चुका हूं और हमारे ढेर सारे टाइगर ऑलरेडी कई विदेश यात्राएं हमारे साथ करके आ चुके हैं। क्या आपका भी मन कर रहा है विदेश जाने के लिए? तैयार है? तो उसके लिए टारगेट जीतना है कंपनी का, अभी भी उसमें वक्त है, पूरा 1.5 महीने से ज्यादा का टाइम है, 3 मार्च तक का टारगेट है, 3 मार्च तक का टाइम है, और 3 मार्च तक अपने को मेहनत करनी, दमदारी के साथ कमिटमेंट दिखाना है। फ्लाइट को पकड़ने के लिए अपने को दिल्ली न जाना पड़े, इतने टारगेट करने के फ्लाइट ही आगरा में लगवानी पड़े। तैयार है इसके लिए?
और मुझे भरोसा ये सेना ऐसी है जब एक दिन में 31 डीडी फ्रेशर लेवल का बंदा निकाल सकता है। यहाँ तो एक से एक बड़े वीर बहादुर बैठे, अगर अपनी सीट पे आ जाएंगे तो पूरा हिंदुस्तान हिला के रख देंगे। यस या नो? और दोस्तों कमिटमेंट के साथ में आप इन चार चीजों को फॉलो करिए, एबीसीडी को फॉलो करिए, जीवन निश्चित रूप से बदलना है, इन सबका बदल रहा है। लाइन लगा करके डायमंड बन रहे हैं, डॉक्टर साहब बैठे यहां पर, प्रमोद जी सर डायमंड बन गए, सर के भाई हैं योगेंद्र जी ये डायमंड बन गए, स्वराज सर आए ये डायमंड बन गए, इनके दो भतीजे आए प्रबल जी रवि जी वो डायमंड बन गए, उनके साथ में अंकित जी आए वो डायमंड बन गए, अवनीश जी आए वो डायमंड बन गए, यतेन जी आए वो डायमंड बन गए, नीलू जी आए वो डायमंड बन गए, पुष्पेन जी आए वो डायमंड बन गए। लाइन लगी पड़ी है, मैं नाम भूल जाता हूं, दो चार के तो इतने बन गए। क्या आप भी बन सकते हैं कि नहीं? इतने बन गए तो एक आध और बन सकता है कि नहीं? जिस दिन डॉक्टर साहब यहां पर खड़े होकर के अपने 100 डायमंडों का नाम बता रहे हो, उस दिन आप में से कौन कौन है जिसका नंबर वहां पे होगा? मेरे को भरोसा नहीं हो रहा। कौन कौन है जो 100 डायमंडों में अपना नाम दर्ज करवाएगा? बैठे बैठे तो नहीं होगा भाई। आपको यकीन है? आपको खुद पे भरोसा है? आपको सिस्टम पे भरोसा है? कंपनी पे भरोसा है? अपने आप पे भरोसा है? भगवान पे भरोसा है? तो ये मुट्ठी बंद करो पूरी दमदारी के साथ और इस भरोसे के साथ बोलना है कि ये हॉल भी हिल जाए। आर यू विद मी? आर यू रेडी? आई एम डायमंड, आई एम डायमंड, आई एम डायमंड। आज के बाद तमाम लटूरे भटूरे आएंगे, ये मुट्ठी खुलनी नहीं चाहिए। लोग बोलेंगे तू लटूरा है, तू नहीं बनेगा, वो जसवीर बन गया, तेरा नंबर नहीं, उसको बताना। मुझे भरोसा है अगला जसवीर मैं ही हूं। बोल के आओगे? बोल के आओगे? बाकी छोटा भाई आपके साथ है, साला मीटर तान देंगे। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड आई एम।